अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारे बच्चों की फ़ीड ख़त्म हो गई थी। ज़्यादा बच्चे हैं तो माशाल्लाह ज़्यादा फ़ीड लगती है, और आजकल फ़ीड कहीं से नहीं मिल रही, शॉर्ट हुई हुई है, और बहुत मुश्किल से हमें ये एक बैग मिला है, और ये भी फैसलाबाद से मिला है, तो हमने ये मंगवाया है वहाँ से। बट हम मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हम किटन फीड देते हैं अपने सारी कैट्स को, लेकिन ये किटन में नहीं था, ये हमें एडल्ट फीड का बैग मिला। हमें ये मंगवाना पड़ा क्योंकि मैं अपनी कैट्स को सिर्फ यही रेफ्लेक्स ही देती हूँ, और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती कोई और फीड देने का। म्यो या फ्लफ़ी लोग दे रहे होते हैं, प्लीज़ आप ऐसी फीड्स मत दिया करें, बहुत ज़्यादा किडनी इश्यूज होते हैं और यूटीआई का इशू होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बात बता रही हूँ। रेफ्लेक्स एक बहुत अच्छी फीड है। हमें हमारी मजबूरी है कि हमें रेफ्लेक्स मंगवाना पड़ता है। अगर कभी ये नहीं मिलेगा तो मैं अपने बच्चों को होममेड डाइट या चिकन ज़रूर दूँगी, लेकिन मैं बच्चों को कोई और फीड नहीं दूँगी। अच्छा, तो अभी मैं फिर किचन में आ गई थी, जो बर्तन धोए थे उनको ऑर्गेनाइज कर करके रख रही थी। सारा दिन मेरा बहुत बिजी गुजर जाता है क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद की जो मेरी टाइमिंग होती है वो होती है व्लॉग एडिटिंग की, जो मैंने बनाया होता है एक दिन पहले। और आप बिलीव करें, मेरी एडिटिंग में, अपलोडिंग वगैरह में ही मेरे ना 2-3 घंटे यहीं पर ही लग जाते हैं। तो जब मैं वो करती हूँ तो उसके बाद फिर मैं लंच बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज मैं बना रही थी कढ़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मेरी नानू आई हुई हैं, तो उन्होंने जाना था, और नानू को कढ़ी बेहद पसंद है। तो जाने से पहले नानू जब से आई थी ना, मुझे कह रही थी कि मुझे ना कढ़ी बना कर खिलाना। मैंने सोचा चले अब नानू ने कल चले जाना है, तो आज उनको ना मैं कढ़ी बना के खिला दूँ मज़े की। नानू को बहुत अच्छी लगती है, और सबका अपना अपना तरीका होता है कढ़ी बनाने का। जो मेरा मेथड है ना, मैं तो मसाला भूनकर और उसके बाद मैं कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन मैं उसको एंड में तड़का भी लाजमी लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े की कढ़ी बनी थी, तो मैंने इसकी रेसिपी जो है ना रिदा फ़ज़ैल ब्लॉग्स पे आपको मिल जाएगी। तो मैंने नानों को बना के दे दी, तड़का भी लगा के दिया, और फिर उसके बाद हम सब ने खाना खा लिया था, और नानों को बहुत मज़े की लगी थी। और यहाँ मिस मैज़ा हमारे पास नीचे रग पे लेटी हुई है लाउंज में और खेल रही है। माशाल्लाह सही हो गई है अब, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले से ज़्यादा प्लेफुल हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और पता है मैज़ा की मुझे टेंशन थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैज़ा की टेंशन से मैं हटी हूँ। तो अब मुझे मफ़िन की टेंशन हो रही है, क्योंकि मफ़िन जो है ना, मुझे पूरे दिन से काफ़ी लेज़ी लग रहा था मुझे। तो ज़रा सा भी मेरा कोई बच्चा लेज़ी होता है ना, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, और हर वक्त ना मैं इस बस स्ट्रेस में ही रहती हूँ। ये देखें इस दफ़ा हमारे पास कौन से बिस्किट्स आए हैं। ये आए हैं रेफ्लेक्स एडल्ट फीड आई है। मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया ना कि हम अपनी कैट्स को देते हैं रेफ्लेक्स किटन फूड देते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी सोर्स ज़रा ज़्यादा होता है। लेकिन अब जो है फीड कहीं से भी नहीं मिल रही है, हर जगह शॉर्ट हुई हुई है। तो हमें फैसलाबाद से एक जगह से हमें फीड का एक बैग मिला है, लेकिन एडल्ट मिल रहा था तो मैंने ले लिया। और ये देखें, ये पानी में सोख करके रखा हुआ है, और ये फूल गए हैं दोनों। ये छोटे बच्चे जो किटन्स हैं ना, 1 ईयर से छोटे छोटे, वो सबको हम ये सॉफ्ट करके दे रहे हैं। ये फूल चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, और जो बड़ी कैट्स हैं वो ऐसे ही खा रही हैं। अब ये देखें, ये इसके एक्चुअल और सोख हुए में डिफरेंस देखें, एक्चुअल छोटा कितना और सोख हुआ कितना बड़ा है। ऐसे इसी वजह से ना, जब ये वाली फीड कैट को देते हैं ना, तो उनका पेट बहुत जल्दी भर जाता है, क्योंकि ये ऐसे ही अंदर जाके फूल जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। और ये डैनी को भी हमने यही वाला खाना जो है सॉफ्ट करके दिया था, क्योंकि डैनी के मुंह का मसला है ना, तो डैनी ने देखें सारा अपना फिनिश भी कर दिया। ये देखें, ये है छोटी मिनी। अच्छा, मुझे ना पता है क्या लग रहा है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मिनी की ना, जब इसको सनी ने मारा था, कि इसकी टेल ना तोड़ दी हो। पता नहीं, जब से मिनी के साथ ये मसला हुआ है ना, मिनी ना अपनी टेल टेढ़ी करके चलती है। वैसे मैंने हाथ लगा के देखा था तो इसको कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसकी टेल जो है ना, ये टेढ़ी रहती है, पता नहीं। ये हमारी मिस मैज़ा, ये जब से ठीक हुई है ना, इनको अब चैन नहीं आता, ये बेड से नीचे उतर जाती हैं और खेलती रहती हैं, भागती रहती हैं। मिस मैज़ा, ए क्या कह रही हो मैज़ा? ये देखें जी, टॉफ़ी आ रहा है। टॉफ़ी की मेरे साथ फ्रेंडशिप हो गई है, मैज़ा की तरह मेरे पीछे पीछे फिरता रहता है टॉफ़ी।
और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है मुएजा। माशाल्लाह, आ जाए मुएजा, आ जाए। टॉफी, ये देखें 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 मेरे पीछे पीछे, टॉफी की मुझसे फ्रेंडशिप हो गई है। पहले ना ये हमारी कैट्स हमारा फर्नीचर बहुत ख़राब करती थी, लेकिन फिर ये जब से हमने ये चेयर्स अंदर रखनी स्टार्ट की है ना, तो अब फर्नीचर इतना ख़राब नहीं होता, ये इसी के ऊपर अपने नेल्स जो हैं वो शार्प करते रहते हैं। और यहाँ देखें माशाल्लाह से मुएजा के भाई इतने दोनों चलाक हो गए और इतने एक्टिव हो गए माशाल्लाह। तो इधर छोटा बेबी जो है टॉफी, वो अपनी मामा के साथ खेल रहा है और फीड कर रहा है। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे ना कैट्स रखना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लाइफ का। ये आपके बच्चे होते हैं, आपकी हर परेशानी को आपको दूर करते हैं। आप कभी रो रहे होते हो, स्ट्रेस में होते हो, इनको देख के सुकून मिल जाता है। इनको जब हग करते हैं तो हग करते ही आपकी जो हार्ट बीट जो है ना वो नॉर्मल हो जाती है और आप रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन इतनी सारी कैट्स की मॉम होने में बहुत मुश्किल होता है ये काम, ये बहुत मुश्किल है। वो क्यों मुश्किल है? वो इसलिए मुश्किल है कि जब इतनी सारी कैट्स होती हैं ना, तो कभी किसी के साथ कोई मसला और होता है, कभी किसी के साथ, कभी किसी को फ्लू हो रहा है, तो कभी किसी को फीवर हो रहा है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, किसी को डायरिया हो रहा है। तो ये इतना दिल नरम हो जाता है ना बच्चे रख कर, कि इनको ज़रा सा भी कुछ होना तो हम घबराहट होने लग जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बीमार क्यों हो रहे हैं। क्योंकि कैट्स इतनी डेलिकेट होती हैं ना कि कभी कभी तो माइनर सी बीमारी की वजह से भी इनकी जान चली जाती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कैट्स खोई हैं, बहुत कैट्स हमारी लाइफ में आई हैं और गई हैं। तो ये ज़रा से भी बीमार हो जाते हैं ना तो मैं परेशान हो जाती हूँ। खुशी भी बहुत देते हैं, लेकिन मैं ना, मुझे हर वक्त ना कोई परेशानी रहती है। अब जैसे कि अब मफ़िन लेज़ी हुआ है, तो अब मुझे मफ़िन की टेंशन है कि मफ़िन एक्टिव क्यों नहीं है, मफ़िन को क्या हुआ है। तो नानो और मेरा भाई जा चुके हैं और खाना वगैरह हम सब ने खा लिया है, और नानो को खाना बहुत अच्छा लगा। नानो को कड़ी बहुत मज़े की लगी है, उनकी बहुत फेवरेट है, मैंने इसलिए बनाई थी। और उन्होंने कल चले जाना था मुल्तान वापस, मेरा सारा ननियाल मुल्तान का है, तो नानो कल मुल्तान वापस जा रही थी। तो फिर आज मेरी तरफ आई, तो मैंने सोचा चलो उनकी फेवरेट कड़ी बना लूँ, क्योंकि वो जब से आई हुई थी ना, वो कह रही थी कि जिस दिन कड़ी बनाओ ना मुझे लाजमी भेजना। तो मैंने नानो को आज यहीं रोक लिया, आज नानो पूरा दिन यहीं रही थी, उनको कड़ी खिलाई और मामा के लिए और मेरे दूसरे भाई के लिए और बहन के लिए, दोनों के लिए मैंने भेज दिया खाना। और खाने के बाद हमने चाय भी पी ली थी, लेकिन अब मेरा दोबारा से दिल कर रहा है चाय पीने का। लेकिन अब दूध ख़त्म हो चुका है, तो इस टाइम मैं चाय तो नहीं पी सकती। हाँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी पी सकती हूँ, तो मैं वो पी लूँगी। और अच्छा, नूर की बर्थडे के बाद से ना मेरे सर का दर्द जा ही नहीं रहा है, स्टिल इतना ज़्यादा दर्द है मुझे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हर वक्त मैं इतना टायर्ड फील करती हूँ। उफ़, चलें जी, अब हो गया है मेरी नाइट टाइम स्किन का, स्किन के रूटीन का टाइम हो गया। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स, मैंने आपको दिखाए थे कि आजकल मैं कौन से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अब वही यूज़ करूँगी। ये मेरे पास है AHA BHA PHA मेडिकल टोनर, और साथ में है AHA BHA PHA मेडिकल सिरम। तो ये दोनों चीज़ें मैं फेस वॉश करके लगाऊंगी। तो आजकल मैं यही ये यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों कोरियन प्रोडक्ट्स हैं, कोरियन ब्रांड के हैं, सम बाय मी के प्रोडक्ट्स हैं ये। और जी, अब मैं सोच रही हूँ इसके बाद कि मैं सोने से पहले कोई हॉरर मूवी देखूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं हॉरर मूवीज़। मुझे ना एडिक्शन है देखने की हॉरर मूवीज़, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे बहुत एडिक्शन है। तो अब मैं कोई देखूंगी और फिर उसके बाद सोऊंगी। अच्छा, नूर के बर्थडे वाले व्लॉग में ना मुझे एक बड़ा मज़े का कमेंट आया, किसी ने पूछा कि आपने जो विग लगाई हुई है तो वो आपने कहाँ से लिया और कितने के लिए है। तो मेरी विग नहीं है, मेरे ओरिजिनल बाल हैं ये, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मेरी जब शादी हुई थी ना, तो उस टाइम भी मेरे इन-लॉज, जब मैं छुट्टियां करती थी ना, मैं अक्सर उस टाइम कर लेती थी कि मैंने सारे बाल एक तरफ करके, तो मैंने ढीली ढीली सी ना साइड ब्रेड कर लिया करती थी। तो उस टाइम भी सबको यकीन नहीं होता था कि मेरी चुटिया इतनी मोटी होती थी कि मेरे इतने हेल्दी बाल हैं। अब तो इनफैक्ट इतने नहीं रहे, अब तो डाई कर 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 करके हेयर फॉल इतना ज़्यादा होता है। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आपका हेयर सीक्रेट क्या है, आप कौन सा ऑयल यूज़ करती हैं।
क्या यूज़ करती हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं ना कोई मेरी इतनी ख़ास रूटीन नहीं है, मैं कोई ऑयल यूज़ नहीं करती। पहले तो फिर भी कभी कभी कर लेती थी, लेकिन मैं सिर्फ सरसों का ऑयल यूज़ करती थी, और अब तो मैं वो भी नहीं करती क्योंकि मैंने केराटिन करवा लिया था। वो केराटिन के बाद आप हर्बल घर की जो होम रेमेडीज़ होती हैं आप यूज़ नहीं कर सकते। मेरे बाल बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये मेरी मदर पर गए हैं, मेरी मामा के, मेरी नानों के बहुत अच्छे बाल हैं, जिस वजह से मेरे भी ऐसे ही हैं। और सारा दिन तो घर के काम चलते रहते हैं, लेकिन सोने से पहले मेरा एक काम लाजमी होता है कि मैं मशीन लगा कर सोती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं रीफिल कर रही थी सर्फ। मैं रात को मशीन इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी ऑटोमेटिक होती है, वो 70% कपड़े ड्राई कर देती है और उसने हर चीज़ खुद ही लेनी होती है। सो मुझे ये होता है कि जब मैं डेली के कपड़े वॉश कर लूँ, बेडशीट्स या कपड़े, और जब मैं सुबह को उठती हूँ ना, तो वो मेरे कपड़े वॉश्ड होते हैं और बस फैला दा। इसलिए मैं हमेशा ना रात को ही मशीन लगा के रखती हूँ। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।